हम यूजर फॉर्म में हम करना चाह रहे हैं, डेटा को किस तरह से हम सेंड करते हैं इस चीज से अनदर चीज के थ्री एक फॉर्म से एक चीज में। तो हमें एक फॉर्म ऐसा बनाना है जिसमें हम अपने डेटा की एंट्री करवा सके फॉर्म के माध्यम से। चलिए उसमें क्या है, उसमें नेम है, सिटी है, मोबाइल नंबर है एंड अमाउंट है, ये चार चीजें हमें डालना है। तो विजुअलाइजेशन चलते हैं, यहां से इंसर्ट यूजर फॉर्म, और मैंने बोला था यूजर फॉर्म अपने साइज के हिसाब से जैसे जैसे साइज चाहिए उसके हिसाब से यूजर फॉर्म को आप बड़ा छोटा यहां से कर ले। उसकी फॉर्मेटिंग आप जैसे बिजी कलर वगैरह है अगर आपको चाहिए तो यहां से उसकी फॉर्मेट को सेट करें जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए आपको। उसके बाद अपना फॉर्म यहाँ पे मैं अपना लेबल देता हूँ, मतलब कि ये लिखता हूँ अपना हेडिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा एंट्री फॉर्म, और फिर हम इसको हेलो हाँ सुजीत जी हाँ सुनो अंदर बोलिए सर जी, वो जो जो आपने लॉगिन फॉर्म बताया था उसमें हमने हम ट्राई किया है लेकिन ऐसी दो तीन चीज है जो नहीं समझ में आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रही बताइए। एक तो आप जो बोले थे कि उस वो बाहर नहीं आना चाहिए, जितनी बार अटेम्प्ट करे अगर सही जब आप उसमें आता है तभी वो बाहर आए। और दूसरी चीज ये कि हम चाहते हैं कि 10-12 लोगों का जो है एक लिस्ट हो, उनका पासवर्ड और नेम हो, उसको कैसे उसमें एंट्री किया। देखिए उसके लिए आपको एक अलग सीट के अंदर एक सीट होगी, उस सीट में आपको यूजर आईडी डालने पड़ेंगे और वहां से कॉल करवाना पड़ेगा। और जो जितना की बात रही तो याद कीजिए जब मैं इनपुट बॉक्स की क्लास में जब मैं आपको डू व्हाइल लूप पढ़ाया था उस डू व्हाइल लूप की क्लास को अगर देखेंगे दोबारा तो वो मेथड आपको समझ में आ जाएगा। तो सर उसमें इनपुट बॉक्स में तो ये करके आ रहा है लेकिन इसमें जो टेक्स्ट बॉक्स का जो हम दे रहे हैं वैल्यू इसमें नहीं उठा पा रहा है। कोशिश थोड़ा और कीजिए या मैं करके दिखाऊं आपको। ये जो डेटा रेंज वाला है जैसे कई लोगों का नाम और पासवर्ड वो तो मैं ट्राई करके कर लूंगा लेकिन ये जो टू अंटिल वाइज है ये नहीं हो पा रहा है। सिंपल है सर, देखिए यूजर 1 2 3 मान लो मैं पासवर्ड इधर डालता हूँ, उन्होंने कर लिया है परवान अंसारी जी ने इस चीज को किया हुआ है। देखिए कैंसिल मोड ट्रू है, मतलब कि जब भी प्रोसेस करेगा वो एक्स के जरिए प्रोसेस करेगा। तो यहां जैसे कि आपने बोला कि अनलोड मी हुआ ना, एल्स में कि मैसेज बॉक्स इनवैलिड है तो यहाँ पे इसमें रिट्राई का ऑप्शन दे रखा है। तो अगर मैं रिट्राई ऑप्शन में लोड यूजर फॉर वन को दोबारा से लोड करवाया होगा तो इसकी जरूरत नहीं। एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज है इसको हटा दीजिए, यहाँ पे कई सारे आपने दे रखा ना तो ठीक है, अगर वैल्यू हुआ तो ठीक है अगर नहीं हुआ तो एडमिशन यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंपल वह MSG बॉक्स एंटर वैलिड डेटा और यहीं पे एग्जिट सक्सेस।
अब क्या होगा कि मैं इससे लॉगिन करूंगा वैलिड डेटा, एक जो तो हटेगा नहीं, यहाँ से तो हटेगा ही नहीं, देख रहा है, यहाँ पे मैंने यूजर डाला और यहाँ पे 1 2 3 डाला, तब जाके हटेगा। बताया सुना अंसारी जी? यस सर। आ गया, अब मैं कुछ नहीं किया, बस एग्जिस्ट कर दिया आपने, हमने एप्लीकेशन को क्लोज बता के एग्जिट कर दिया। सोचना चाहिए था कि यूजर फॉर्म क्लोज अनलोड कैसे होगा, क्योंकि हमने डिफॉल्ट अनलोडिंग जो है इसको तो हटा रखा है, इसे तो अनलोड होगा नहीं, जब भी होगा अनलोड किसके थ्रू होगा, कोड के थ्रू होगा, और कोड अनलोड कब करेगा, जब उसको सही डेटा मिलेगा। ठीक है, यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूजर फॉर्म में हमने यहां से हम अपना ले लिया डेटा एंट्री फॉर्म ले लिया आपने, और हमने यहाँ फॉन्ट पे आया और फॉन्ट पे हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, ये अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद हम अपने लेवल डिजाइन करते हैं, जो कि यहाँ पे मान लीजिए कि नेम शो करेगा, नेम, और इसके जगह पे हम अपना चेकबॉक्स देते हैं, कुछ भी इंट्री देने के लिए हम चेकबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे हम देते हैं सिटी, सिटी ले लिया, और फिर यहाँ हम सिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये दोनों को अलाइन करना, अलाइन भी कर लेंगे हम। उसके बाद नीचे क्या है आपका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हम मोबाइल देते हैं, सॉरी, और फिर यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, और मोबाइल नंबर के बाद क्या अमाउंट, यहाँ पे तो मैं एडिटर से लिख रहा हूँ, आप जब भी आप यूज करेंगे तो आप इसको फॉर्मेटिंग के थ्रू यूज करेंगे, फॉर्मेट कर लेंगे, थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे, थोड़ा सा सही तरीके से अरेंज कर लेंगे तो खुद बेहतर रहेगा। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट किया और फॉर्मेट में गया अलाइन टू लेफ्ट, तो लेफ्ट में पूरा अलाइन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ हम बटन देते हैं, एक बटन जो कि सबमिट करेगा, मतलब यूजर फॉर्म पे सबमिट, मतलब कि सेव या सबमिट जो भी कीजिए, और दूसरा क्लियर करेगा, जो कि फॉर्म में कुछ लिखा हुआ हमने गलत लिख दिया तो उसको क्लियर करेगा। ठीक है, तो बाहर जो फॉर्म आएगा कुछ इस तरह से आएगा, जो भी हम यहाँ डेटा एंट्री करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे पे जाएगा, क्लियर करेंगे तो ये पूरा को क्लियर कर देगा, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जिस फॉर्म को डिजाइन किया है इसमें किसी तरह की प्रोग्रामिंग अभी तक मैंने नहीं की है, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं और मुझे कोड क्या लिखना है, हमें लिखना है कि भैया डेटा एक के नीचे इस तरह से इंट्री होता जाए, तो लिखेंगे शीट, और शीट में हमने बोला ऊपर में जाके नीचे आएगा, मतलब शीट वन, वन डॉट रेंज एक हजार डॉट एम एक्सल हाफ डॉट ऑफ सेट 1.0 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट वर्क्स 1 डॉट वैल्यू, मी क्या है एक्टिव वर्ड। ठीक है, अब इसी को हम कॉपी कर दें
और यहाँ वन जो है जीरो हो जाए, आप याद होगा जो हमने वी में सीट के लिए बताया था, तो सेम फैसिलिटी यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा थ्री सिस्टम और एक एक्सबॉक्स थ्री। और ये जाएगा टेक्सिस फोर, तो नेम के लिए, सिटी के लिए मोबाइल ठीक हो गया। अब देखिए, अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे डाल दिया मैंने पूजा, सिटी डाल दिया मान लीजिए दिल्ली, मोबाइल नंबर और अमाउंट में हमने अमाउंट डाल के सबमिट किया, तो डेटा एंट्री यहाँ पे हो गया। लेकिन सबमिट करने के बाद कुछ कंफर्मेशन नहीं आया, इसको क्लियर भी नहीं किया। चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे, तो कंफर्मेशन के लिए आप देंगे एम एस जी बॉक्स, आप कंफर्मेशन में पूछना चाहते हो तो यहां पे कहते ए इक्वल टू एम एस जी बॉक्स, यहां पे बोल दिया डू यू, एक मिनट ए पहले होना चाहिए, क्योंकि कंफर्मेशन मुझे चाहिए कि भाई कंफर्म करे उसके बाद इसको पहले देना पड़ेगा एम एस जी बॉक्स, और यहां पे मैंने बोला कि डू यू वांट टू सेव दिस डेटा, और यहां हो जाएगा यस एंड नो बटन, नंबर क्या क्लिक कर देता हूं यस एंड नो एंड कॉमा टाइटल हमने दे दिया कन्फर्म। अब कंडीशन होगा कि इफ ए इक्वल टू हो वी वी नो दैट एग्जिट, अदरवाइज कुछ है। अब क्लियर की बात आई तो क्या है कि मुझे क्लियर जो है दो क्लियर की चीजें दो जगह डालनी है, एक तो हमें डालना है ए सेव बटन पे और दूसरा डालना है क्लियर पे, तो दो जगह जगह डालना है, तो हम दो दो बार डालने की बजाय हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देते हैं सीएल के नाम से, और यहां पे देते हैं कि यूजर फॉर्म वन डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, क्लियर करोगे तो एक नंबर आ जाता है इसमें, टू थ्री एंड फोर, यहां पे लिखेंगे हम ए इक्वल टू एक ए भी कर सकते ए इक्वल टू सी एल ओपन एंड क्लोज, क्योंकि फॉर्मूला है, हालांकि रिजल्ट तो कोई नहीं दे रहा है लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें एक ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल्स होना चाहिए, क्योंकि विदाउट वेरिएबल्स को फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद हम सेम यहां से थ्री ऑफ क्लिक करते हैं और यहां पे ए इक्वल टू सी एल करते हैं, तो फंक्शन के फायदा क्या हुआ कि हमें फंक्शन को एक ही जगह लिखना पड़ा और इसको हम दो जगह कॉल कर दें, वरना अगर ऐसा नहीं करता होता तो एक कोडिंग को मुझे यहां भी डालना पड़ता, ठीक है। अब देखिए इसको हम रन करते हैं, यहां पे देते हैं नाम मान लीजिए इंदर, सिटी में मैं देता हूं उदयपुर, मोबाइल और अमाउंट हाँ सबमिट कर, यू वांट टू सेव डेटा यस। दूसरी चीज मैं चाहता हूं कि इस पे 10 डिजिट से ज्यादा मोबाइल नंबर डलने की ना, 10 डिजिट ज्यादा न कम, तो कैसे कब होगा, एक तो अगर कंडीशन यहां पे लगा ले कि जब वो सबमिट बटन में क्लिक करेगा
तो चेक करेगा यहाँ पे कि इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3, अब इसके लेन में देना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, लेन डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 10, देन मैसेज शो हो एम एस जी बॉस योर मो, यहाँ पे इन्वर्टर को देना पड़ेगा ना, कि योर मोबाइल नंबर इन, और फिर यहाँ पे एग्जिट, एग्जिट से यहाँ पे एग्जिट सब देना पड़ेगा, एग्जिट सब। इससे क्या होगा कि जैसे मैं मोबाइल नंबर गलत यहाँ पे धीरे धीरे कब डालूंगा और सेव पे क्लिक करूंगा, उससे हमने एग्जिट नहीं किया, माफ कीजिएगा, एक छोटा सा लाइन छूट गया था एग्जिट। तो अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर गलत डालूंगा सेव करूंगा तो पहले बोलेगा मोबाइल नंबर इनकरेक्ट और चेंज करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ टाइप करते ही बता दे कि भाई मोबाइल नंबर चेंज का नहीं है, तो टाइप करते तो नहीं सही। जैसे मैं इससे बाहर आऊं तो हम इससे डबल क्लिक करेंगे क्योंकि आपने एरियन सेट करना पड़ेगा कि आप जो प्रोग्रामिंग करना चाहते हो किस इवेंट को, तो मैं उसका मुझे मोबाइल एग्जिट हो तो इस इवेंट पे होना चाहिए, तो मैं इससे डबल क्लिक किया और चेंज की जगह पे मैंने सेलेक्ट किया एग्जिट। और यहां पे दिया कि इफ लेन, जो जो चीजें मैंने वहां दिया ना, ऊपर दिया है, इसी कॉपी कर लेते, और यहाँ पे एग्जिट सम नहीं होगा, यहाँ पे होगा मी चेंज कर दीजिए, तो मी और टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू इसको 0 या ब्लैंक ब्लैंक कर दीजिए। एक और होता है मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट सेट फोकस एंटर यू कर सेट फोकस पे ही होना चाहिए ना, सेट फोकस ही होगा। यहाँ पे देते हैं ओम सिटी पुणे, मोबाइल नंबर 88025 7, और हमने जैसे आया मैसेज दिया, लेकिन फिर इसने वापस कर्सर क्यों नहीं दिया, मैं करना है कि कर्सर जो है अमाउंट से बजाय इस पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सेट फोकस करता है लेकिन इसमें क्यों नहीं कर रहा, फोकस क्यों नहीं कर रहा, दो मिनट दीजिए मैं एक बताता हूं कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। किसान जी समझ में आ रहा है आपको, जी हाँ समझ में आ रहा है, जैसे बिजली है तो आप नहीं, ये फर्स्ट यूजर फॉर्म जो है मुझे भी आता है बनाने, लिटिल बिट वेरी बेसिक, इसकी हाँ इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी ये होती है,
ये तो हमने स्टार्ट किया है, कल हमारी पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है। जी हेलो हेलो, ओ सॉरी सर, म्यूट था, मैं बोले जा रहा था, म्यूट था। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि सेट फोकस जो है ना सर, सेट फोकस का जो हमने जो यहाँ डाला हुआ है संदीप जी, कि सेट फोकस जो हमने यहाँ डाला है इससे मतलब कि हम एग्जिट पे डाल रहे थे, हम एग्जिट पे ना डाल के ये जो है इसको एग्जिट पे ना डाल के हम
हम यहाँ एंटर पे डालेंगे, ठीक है। एंटर पे डालेंगे तो क्या होगा कि अब जो है आपका ये आ जाएगा, कोई हमने अब यहाँ पे डाला, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही आऊंगा तो मुझे बोलेगा योर मोबाइल नंबर इन करे, और देखिए फोकस जो है हमारा इसी के अंदर, ठीक है। तो आप अगले फोकस नहीं लेगा, तो अभी आप क्या करें कि आप जो है सबसे पहले फॉर्म को डिजाइन करना सीखे। तो गूगल इमेज पे जाके यूजर फॉर्म को सर्च करे, वहां पर आपके बहुत सारे यूजर फॉर्म आ जाए। अब कम से कम मुझे 5 या 7 यूजर फॉर्म डिजाइन करके जो आपको सुटेबल होता है, इस तरह का हो या अलग अलग बहुत सारे हैं इसके पैटर्न, ये देखिए। तो आप अपने हिसाब से मुझे 5 या 7 यूजर फॉर्म बनाए, जैसे ये देखिए ये भी एक यूजर फॉर्म है, ठीक है। ठीक है सर, ट्राई कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल।